तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है रजिस्टर योर फ्री डोमेन नेम, ठीक है। तो इस तरीके का वेबसाइट जो है आपको गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आज मैं आपको अलग बात बताने वाला हूँ, ठीक है। वेबसाइट तो आपको बहुत सारा मिल जाएंगे और डोमेन भी आपको फ्री में मिलेंगे, और 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपको जो है फ्री में डोमेन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन डोमेन को जो है रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, जो फ्री डोमेन है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आप करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी वेबसाइट जो है फ्री डोमेन देते हैं किसी भी यूज़र को तो क्यों देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखो उस डोमेन को जो है फेमस करवाना होता है, ठीक है। ताकि अगर वो आगे चल के फेमस हो जाएगा तो होगा क्या कि उस डोमेन को जो है लोग खरीदने भी लगेगा, और उस वक्त जो है होगा क्या कि वो वेबसाइट जो है डोमेन का रेट रख देगा, ठीक है, $10 $12, तो उस समय जो है लोग पैसे दे के भी खरीदेगा, ठीक है। क्योंकि लोग जो है उसी तरफ जाता है जिस तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मामला ये है, ठीक है, फ्री डोमेन लेने का। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फ्री डोमेन लेते हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सा मिलेगा, और फ्री डोमेन जो है रजिस्टर करने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ एक वेबसाइट के बारे में। तो इसी चक्कर में जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री नॉम, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इसी तरीके से जो है फेमस हुआ, और आज के डेट में जो है ये डोमेन के पैसे भी लेते हैं, ठीक है। पहले जो है एक्स वाई जेड होया करता था, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड इतना फेमस हो गया डोमेन की आज के डेट में जो है उसका रेट रखा गया है, ठीक है। उस डोमेन को आप जो है पैसे दे के ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फ्री नॉम वेबसाइट को चलिए ओपन करते हैं इस पर क्लिक करके। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है फ्री डोमेन आपको जो मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो .tk, ठीक है, .ml .ga .cf .gq, ठीक है। तो ये सब डोमेन आपको मिलेगा। अब जो है एक्स वाई जेड का भी आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये डोमेन आप अगर ले लेते हो तो क्या आपका वेबसाइट जो है रैंक करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये डोमेन सब जो है अभी नया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे काम करते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, अगर इस चक्कर से अगर आप डोमेन खोज रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग स्पॉट पे जो है बिना डोमेन का जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है प्रूफ के लिए बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉग ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है ऊपर की और आप देखो यहाँ लिंक, ठीक है, वेबसाइट का। तो ऊपर में जो है आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ हार्ट टचिंग हिंदी लैंड .blogspot.com, ठीक है। तो अभी भी ये वेबसाइट जो है .blogspot.com पे चल रहा है, ठीक है, बिना डोमेन का। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस का एड भी आपको दिख रहा है, और नीचे भी दिख रहा है, और भी एड जो है आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, वहाँ की और भी एड जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो है blogspot.com के डोमेन पे भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री डोमेन जो है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्री डोमेन मिलता है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉग रैंक नहीं होगा ऐसे, ठीक है। ब्लॉग को रैंक कराने के लिए आपको जो है .in या .com का ही डोमेन लेना होगा। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप इस डोमेन पे अगर काम करोगे .tk .ml .ga .cf .q, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका वो काम नहीं हो पाएगा जो कि आपका वेबसाइट रैंक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अगर .blogspot.com पे एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है और यहाँ पे जो है अर्निंग भी चालू है, तो सबसे अच्छा जो है मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे काम कर रहे हो तो आपको जो है blogspot.com के ही फ्री डोमेन पे काम करना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो जब भी आपके पास जो है अगर पैसे हो तो आपको जो है .in या .com का डोमेन खरीदना चाहिए, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि ऐसे में अगर आप फ्री डोमेन ले लेते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाके, तो होता क्या है वहाँ पे
कि आपको जो है पूरा एड्रेस दे के जो है रजिस्टर करना होता है डोमेन को, ठीक है। बाकी इस डोमेन से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, फ्री में आप अपना जो है पूरा जो है प्रूफ दे दोगे और रजिस्टर कर लोगे, ठीक है, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है रैंक भी नहीं होगा, ठीक है। इससे तो मैं अच्छा समझता हूँ इस डोमेन से, फ्री वाले डोमेन से अच्छा कि अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो आप जो है blogspot.com के डोमेन पे ही काम करो, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप फ्री वाला डोमेन ले लोगे और बाद में चल के जो है अगर आप इस डोमेन को हटा के, ठीक है, आप दूसरा डोमेन जो है अगर लेना चाहते हो तो ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा डोमेन आप अपने ब्लॉग पे लगा लोगे, लेकिन होगा क्या कि इस वेबसाइट के तरफ से आपके पास जो है बहुत ही सारा जो है मैसेज आएगा, ठीक है, कॉल आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 साल तक ही आपको जो है फ्री में मिलता है ये फ्री डोमेन, ठीक है, .tk.ml.ga.cf.gq, ठीक है, ये 1 ही साल के लिए मिलता है, उसके बाद जो है आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है फ्री डोमेन लेना बेकार है, इससे में होता क्या है सारा प्रूफ जो है चला जाता है इनके पास, ठीक है, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है फ्री डोमेन लेना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है आपको सर्विस पे, और सर्विस पे आने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है फ्री एंड पैड डोमेन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको फ्री डोमेन लेना है तो यहीं पे आपको आना पड़ेगा, ठीक। तो इसी वेबसाइट से जो है आपको फ्री डोमेन मिलेगा, बाकी और भी सारा वेबसाइट जो है गूगल पे मिल जाएगा जिस पे आप जो है फ्री डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। बाकी जो मुझे कहना था अच्छा वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके समझ में आता है कि फ्री डोमेन पे काम करना चाहिए तो आप कर सकते हो। बाकी चलिए, मुझे जो है फ्री डोमेन लेना नहीं है, मुझे रजिस्टर नहीं करना है, तो मैं इसमें जो है पंगा लूँगा नहीं, बाकी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही जानकारी देना था आपको, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।